वाले से यूं सोचना और समझना चाहिए कि हम जो कुछ ये होता है यकीनन ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से होता है, लेकिन हम ये देखें कि हम दीन से दूर और थोड़ा दीनी हवाले से भी बहस होते जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये देखें कि जिस मस्जिद में गर्म पानी ना हो हम वहाँ नमाज पढ़ने नहीं जाते हैं, और माएँ और वालदैन बच्चों को दिन को सुबह को रात को कहते हैं बेटा बाहर ना निकलो ठंड हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जब स्नो फॉलिंग हो रही होती है इस तरह के लम्हात आते हैं तो हम लाखों रुपया लगाकर हम जनाब सारे ही सारे लाखों की तादाद में एक ऐसे माहौल में जहां हमें एक्सपेक्टेड होता है कि वहां पर कोई ना कोई परेशानी की सूरत हाल होगी, ठंड लगेगी, मामलात होंगे, हम वहां जाते हैं। पहली बात तो ये कि हमें इस हवाले से भी अपनी सारों को इस्लाह करनी चाहिए कि हमें अपने अल्लाह की जात को राजी रखना पड़ेगा और अल्लाह की जात को हम खुश रखें, अल्लाह के लिए हम कोशिश करें दीन के हवाले से भी, ताकि जो अल्लाह पाक की नाराजगी है उससे हम लोग बच सकें। दूसरी बात यह है कि यहाँ जो आपने फरमाया है तो मैं समझता हूँ कि इसमें भी जैसे मेरे भाई बात कर रहे थे कि टोटल फेलियर तो यहाँ पर रियासती इदारों का है, आपकी गवर्नमेंट का ये फेलियर है कि ये होटलों को काबू करना या वहाँ ये सारे मामलात करना, ये क्या मेरी और आपकी जिम्मेदारी तो नहीं है कि हम डंडे सोटे उठाएं और वहां जाकर हम होटल वालों को मारने लग जाएंगे, उनसे कहें आप ऐसा क्यों करते हैं। जाहिर है ये एक इंतजामी फेलियर है, और सवाल ये पैदा होता है कि जिन होटल वालों के साथ ऐसा हुआ है आप अभी भी तदारुक कर सकते हैं, आप एक डेस्क कायम कर दें, आप एक हेल्पलाइन कायम कर दें कि लोगों से कहें जिस जिसने 50-50 हजार जिस होटल ने लिए आप उसका बताएं तो आप घंटे के अंदर ये सारा कुछ आ जाएगा, लेकिन ये उस वक्त अगर हम कुछ करना चाहें। और सवाल ये कि क्या जो होटल मालकान एक एक बंदे से 50-50 हजार रुपए लेते हैं उस हिसाब से गवर्नमेंट उनसे टैक्स भी वसूल करती है या नहीं करती है। फिर इसके साथ साथ हमें आगाही के हवाले से सच्ची बात यह है कि हमारा फेलियर है इस मामले में बहुत सारे लोगों का, आपको भी शायद पता होगा लेकिन मुझे तो इससे पहले ये पता भी नहीं था कि अगर इस तरह मुसलसल गाड़ी में हीटर चलाएं तो वहां पर एक कार्बन वो मोनोऑक्साइड क्या कहते हैं उसका नाम वो आती है और वो जहरीली होती है, उसकी बू भी नहीं है, और इस हवाले से भी इससे पहले हमें आगाह किया।